क्या आप एक नई बड़ी SUV लेने का सोच रहे हैं? अगर हाँ तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। मार्केट में नई आने वाली है Hyundai Alcazar SUV। ये 6 और 7 सीट ऑप्शन के साथ आएगी और Alcazar शुरू से ही ना अपने कंफर्ट, स्पेस, टेक्नोलॉजी, फीचर्स के लिए जानी जाती है। इनफैक्ट Hyundai कंपनी इसी चीज़ के लिए जानी जाती है और अपनी Alcazar के साथ वो एक प्रॉपर फैमिली कार आपके लिए लेकर आ रही है। उसके बारे में काफ़ी डिटेल सामने आ गई हैं। फोटोज, वीडियोस, प्राइस, वेरिएंट सब कुछ करेंगे आज की इस वीडियो में डिस्कस। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपका काम। मैं इनफैक्ट ये भी बताऊंगा कि आपको क्या करंट वाली Alcazar जिस पे अप टू 2.5-3 लाख का डिस्काउंट मिल रहा है उसे परचेज करने में बेनिफिट है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें करेंगे डिस्कस। तो आपका काम वीडियो को एंड तक देखना, मेरा काम सारी इन्फॉर्मेशन देना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। मेरा नाम ऋषभ एंड दिस इज द Hyundai Alcazar SUV। सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया तो, बिकॉज हम इस तरह के लेटेस्ट कार्स के न्यूज़ और कार कंपैरिजंस रिव्यूज लेकर आते रहते हैं आप सबके लिए। इनफैक्ट अभी महिंद्रा था रॉक्स आई है, वो भी 20 लाख की है, ये भी 20-21 लाख के आसपास का टॉप वेरिएंट रहने वाला है। तो देखते हैं कि कैसे कंपैरिजन हो। इन दोनों का आपस में कंपैरिजन नहीं है, बट जिसका बजट 20 लाख के आसपास का होता है उसे एक बार सारी गाड़ियां कंसिडर जरूर करनी चाहिए। एनीवेज, Alcazar इसके बारे में बात करते हैं। 25,000 रुपीज देके इसकी बुकिंग आप करवा सकते हैं। कल से ये ओपन हो गई हैं, इसको आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, किसी भी डीलरशिप से भी करवा पाएंगे। 9 अलग अलग कलर ऑप्शंस इसमें आपको ऑफर कर रही है। नया एमरल्ड ग्रीन जो इनका आता है पर्ल वाला, वो बहुत बहुत ही प्यारा कलर लगता है। उसमें मैट फिनिशिंग इन्होंने निकाली है और ये रियल लाइफ में और भी ज़्यादा उठकर आता है, तो ये भी बढ़िया लग रहा है। इसके अलावा 8 और कलर्स भी अवेलेबल होंगे और 4 अलग अलग वेरियंट्स हैं, तो वो भी बहुत अच्छा बेनिफिट है कि आपके पास ना ऑप्शन बहुत हो जाती है कि आप क्या चूज़ करना चाहते हो। कस्टमाइजेशन हो जाती है, पर्सनलाइजेशन हो जाती हैं कि आपको एग्जैक्टली क्या चीज़ चाहिए। एनीवेज, बढ़ते हैं आगे। मेजर चीज़ आती है देखो कि क्रेटा से डिफरेंट क्या है। अगर हम पिछली क्रेटा Alcazar को देखते हैं तो वो क्रेटा से थोड़ी सी बड़ी भी होती है। 6 और 7 सीट्स का फ़र्क आता है, कुछ फीचर्स भी एडिशन किए जाते हैं और इंटीरियर का जो अपहोल्स्ट्री है उसे कम्प्लीटली चेंज किया जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। पहले की कंपैरिजन में और अब में भी अगर हम देखे चलें तो 150 मिलीमीटर से लेकर 200 मिलीमीटर के लेंथ और व्हील बेस में डिफरेंस आता है। उसकी वजह से बूट स्पेस थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ होते हुए 6 और 7 सीट पे स्पेस बन जाती है। हालांकि Alcazar के 6 और 7 स्पीड काफ़ी हद तक कंफर्टेबल है बच्चों के लिए, और अडल्ट अगर छोटे ट्रिप के लिए कहीं जा रहे हैं, सिटीज़ में कहीं जा रहे हैं, ज़रूरत पड़ती है तो डेफिनेटली काम आती है। इस सेगमेंट में कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं है जो सुपीरियर बहुत ही ज़्यादा कम्फर्ट प्रोवाइड करे। जो फर्स्ट रो और सेकेंड रो वाला कम्फर्ट है वो आप थर्ड रो से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना, वो तो एक्स्ट्रा सिटिंग स्पेस है जो आपको मिल जाती है। और बूट स्पेस वो थोड़ी कम हो जाए, जैसे क्रेटा में तो 425 है, लेकिन Alcazar बड़ी होने के बावजूद लेंथ में फिर भी बूट स्पेस कम देती। पिछली ने 180 लीटर्स की दी थी, इस बार देखते हैं कितनी बूट स्पेस आती है। बट अगेन 6 और 7 सीट्स की ऑप्शन भी तो चाहिए ना, और अगर आपको उन सीट्स को नहीं यूज़ करना तो फोल्ड कर लोगे तो बूट स्पेस आपको बहुत अच्छी मिल जाती है, तो आप बड़े बैग्स आराम से रख सकते हैं। तो 5 सीटर प्लस बूट स्पेस के लिए तो Alcazar क्रेटा से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहती है। अब बात कर लेते हैं इंजन। 1.5 लीटर का टर्बो इंजन आएंगे दोनों ही, पेट्रोल भी और डीजल भी, दोनों ही ऑफ कोर्स टर्बो हैं। 160 PS की पावर जनरेट करके देता है आपको पेट्रोल का इंजन। कमाल का है चलाने में, पैडल शिफ्टर्स वगैरह से तो और मज़ा आता है इसको चलाने में। ऑलरेडी क्रेटा का कंप्लीट रिव्यू किया हुआ है, उसकी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसके सारे वेरियंट्स अवेलेबल है। इनफैक्ट अगर हम डीजल इंजन की बात करें तो वो भी मुझे एक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी इंजन लगता है, क्योंकि वो एक ना इतना रिफाइंड इंजन है ना, मतलब डीजल में अगर देखो तो उससे रिफाइंड इंजन U2CRDI कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन वाला इंजन और कोई नहीं है। ये इंजन मुझे बहुत बढ़िया लगता है, ये आपको फील ही नहीं होने देता कि वो डीजल की हार्शनेस या रफनेस है, इतना रिफाइंड है। प्लस माइलेज भी आपको बहुत अच्छी देता है, क्रेटा में तो 20 से ज़्यादा की माइलेज आती है इस इंजन के साथ। Alcazar में भी माइलेज अच्छी ही मिलेगी फॉर श्योर। और आपको पेट्रोल में 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड DCT, डीजल की बात करेंगे तो आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर। Hyundai के साथ ना एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि पेट्रोल थोड़े एक्सपेंसिव साइड पे होते हैं ना, तो पेट्रोल और डीजल में प्राइस गैप नहीं होता, टॉप वेरिएंट सेम ही प्राइस का आता है, तो उसमें डेफिनेटली डीजल को ऑप्ट करना ज़्यादा अच्छी ऑप्शन रहती है, बिकॉज आपको वहाँ पर माइलेज ज़्यादा मिल जाती है। बिकॉज पेट्रोल में पावर जरूर ज़्यादा, बट पावर आपको डेली लाइफ में नहीं चाहिए, माइलेज आपको रोज़ चाहिए, इसीलिए डीजल मैं प्रेफर करता हूँ, स्पेशली जब प्राइस का कोई डिफरेंस नहीं और डीजल की रिफाइनमेंट इज सुपर्ब। ओके, ये तो हो गए इंजन। हाँ, नेचुरली एस्पिरेटेड नहीं आएगा तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रख लें। अगली बात आती है कि फीचर्स आपको क्या मिल जाते हैं। तो आपको फीचर्स तो कंपनी डेफिनेटली आपको क्रेटा वाले तो सारे ही देंगे, जिसमें आपको कनेक्टेड फीचर्स ब्लूलिंक के 70 से ज़्यादा मिलेंगे। सेफ्टी इसमें थोड़ी बेटर होगी, बिकॉज मिडल वेरिएंट से शुरू होता है, तो बेस वेरिएंट से आपको 40+ सेफ्टी स्टैंडर्ड फीचर्स मिलेंगे। अपर वेरिएंट में
स्टैंडर्ड नहीं, 70 सेफ्टी फीचर्स हो जाएंगे, जिसमें ADAS लेवल 2 फंक्शंस आपको यहाँ पर ऑफर किए जाएंगे। 6 एयरबैग्स तो स्टैंडर्ड ऑब्वियसली होंगे ही होंगे, ABS, CVT, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम, ये सब फीचर्स आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी, इंक्लूडिंग 360 डिग्री कैमरा एज वेल एंड फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, जो कि यहाँ बहुत अच्छे तरीके से नजर आ रहे हैं। नई लुक जो है ना वो काफ़ी उठकर तो आ रही है, नए एच शेप्ड LED हेडलैम्प्स, क्वाड बीम आपको हेडलैम्प सेटअप, साथ में स्किड प्लेट्स का डिज़ाइन भी कम्प्लीटली चेंज है, एलॉय व्हील्स 18 इंचज़ के हो गए हैं, साइड पे भी क्लैडिंग देखेंगे तो वो ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ आई है, और रूफ रेल्स का डिज़ाइन कम्प्लीटली चेंज है, वो ब्रिज टाइप है, बीच में गैप दिया गया जिसकी वजह से इस गाड़ी की हाइट बढ़ेगी भी और दिखने में भी ज़्यादा अच्छी रोड प्रेजेंस आएगी। रियर में भी देखेंगे तो आपको नए LED कनेक्टेड टेल लैम्प्स जो है उसको थोड़ा चंकियर कर दी गई, LKR के बीच में एम्बेडेड बैजिंग दी गई है, वो मुझे पर्टिकुलरली ऑनेस्टली बहुत अच्छी लग रही है, आई एम एब्सोल्युटली लविंग द रियर डिज़ाइन। आपको ओवरऑल गाड़ी का एक्सटीरियर कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दें। अब चलते हैं इंटीरियर में। इंटीरियर क्रेटा में तो आता है बेज, यहाँ पर आएगा टैन, इन फोटोज़ में बहुत इजीली नज़र आ रहा है, टैन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन दिया जाएगा, जिसकी वजह से इसमें और प्रीमियमनेस ऐड होगी, सफाई इसको कम जरूरत पड़ेगी और क्रेटा से हटकर हो जाएगी थोड़ी सी। और इंटीरियर में अगर आप देखें तो क्रेटा वाले सेम फीचर्स, स्टीयरिंग रिमोट कंट्रोल, डिजिटल क्लस्टर, टच स्क्रीन बड़ी, क्रूज कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट्स, आपको साथ में वॉइस कमांड्स अलग अलग लैंग्वेजेस में नेटिव भी होंगे, क्योंकि उसमें क्या जरूरी होता है कि बिना इंटरनेट के भी वॉइस कमांड्स चले वो होंगे, पैनोरामिक सनरूफ होगी, मूड लाइटिंग होगी और इस तरह की तमाम चीज़ें, जिसमें रेयर एसी इवेंट्स भी आएंगे, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी होने वाला है, वेंटिलेटेड मैंने बोल दिया तो ठीक, नहीं बोला तो वो बताया, तो वेंटिलेटेड सीट्स होंगी। अब आता है इंटरेस्टिंग बात कि क्रेटा से डिफरेंट फीचर्स कौन से होंगे। तो एक तो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक टेलगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पर पावर टेलगेट ऑफर किया जाएगा। एक दूसरा, हालांकि मैं सच्ची बताऊँ 7 सीटर्स में पावर टेलगेट उतना बेनिफिट होता नहीं, बट एक फीचर देना ज़्यादा सही हो जाता है कि एटलीस्ट है, क्योंकि मोस्टली आप 7 सीटर को सीट फोल्ड करके बूट स्पेस की तरह यूज़ करोगे तो आपको पावर टेलगेट का बेनिफिट मिलेगा और जेस्चर कंट्रोल भी इसमें मोस्ट प्रॉब्ली मिल जाएगा। एडिशनली रियर की जो सेकेंड रो सीट है, जो उसमें 6 सीट ऑप्शन, जो कैप्टन सीट्स वाली ऑप्शन आएगी, उसमें कंफर्ट इंक्रीज करने के लिए हो सकता है कि उसमें आपको वेंटिलेटेड की ऑप्शन, तो जो कैप्टन सीट्स है उसमें आपको ऑटोमन का फंक्शन भी मिल सकता है, इलेक्ट्रिकल या मैनुअल थोड़ा सा होगा, तो वो चीज़ें इंटरेस्टिंग बना देगी। पीछे स्पेस थोड़ी एडिशनल हो सकती है, कप होल्डर्स का डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट होगा, मतलब Hyundai ब्रांड ना शुरू से ही अपनी गाड़ियों में कुछ हटके हमेशा करता है, तो LKR से भी मेरी कुछ उस तरीके की उम्मीद ही है। एक और फीचर जो मैं एडिशनल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, दो इनफैक्ट, एक तो है टच स्क्रीन, 10.25 इंचेस की जगह 12 इंचेस की टच स्क्रीन हो सकती है, बिकॉज आपके क्या है कि सेगमेंट में बड़ी बड़ी टच स्क्रीन आनी शुरू हो गई हैं, तो हो सकता है कि कंपनी 12 इंचेस की स्क्रीन दे दे। और डैश कैम, Hyundai LKR जो पहले आई थी उसमें एडवेंचर एडिशन में इन्होंने डैश कैम दिया था, तो वी आर एक्सपेक्टिंग LKR में अब टॉप वेरियंट में वैसे ही डैश कैम दे दिया जाएगा, बट ये ना उम्मीद मुझे क्रेटा में भी थी, वो फुलफिल हुई नहीं अनफॉर्चुनेटली, तो मे बी इसमें हो जाए। तो ये कुछ फीचर्स है जो मुझे लगता है कि एडिशनली ऐड किए जाएंगे, बट आई रियली वांट टू नो कि आप क्या चाहते हो कि क्रेटा से हटकर LKR में क्या हो, नीचे कमेंट करके ज़रूर 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 बता देना। अब बात ये आती है कि क्या LKR एग्जिस्टिंग वाली, जिसपे 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख डिपेंडिंग कौन सा वेरियंट, कलर ऑप्शन वगैरह पे अभी चल रहे हैं डिस्काउंट अच्छे खासे, तो क्या आपको वो परचेज करना चाहिए। देखो पहले वाली की प्राइस थी 16.77 से लेकर 21.28, कई डीलरशिप्स हैं जो आपको 3 लाख का डिस्काउंट बेस वेरियंट में भी दे रहे हैं, और इसका बेस वेरिएंट में भी बहुत सारे फीचर्स आते हैं, बेस वेरिएंट जैसा नहीं है, मिडिल वेरिएंट जैसा, तो एक वैल्यू फॉर मनी गाड़ी हो जाती है अगर आपको सिर्फ और सिर्फ स्पेस पॉइंट चाहिए और आपका बजट ही इतना जाता है। बिकॉज अगर आप नई वाली LKR में भी 17-18 लाख में 7 सीटर देखने की कोशिश करोगे तो आपको बेस में कुछ भी नहीं मिलेगा, इसमें आपको 3 लाख के डिस्काउंट के बाद जो गाड़ी ऑन रोड ही आपको 1500 की पड़ेगी, 7 सीटर विद गुड फीचर्स, गुड सेफ्टी सब मिल रहा है, तो आप कर सकते हो, बुरी ऑप्शन नहीं होगी। बट अगेन जो पर्सन ना 20 लाख तक खर्च कर रहा है उसके पास पैसे हैं, वो शौक के लिए भी खर्च करता है, उसको ज़्यादा पैसे सेव नहीं करने हैं, तो मैं कहता हूँ शौक वाली जब चीज़ होती है ना तो लेटेस्ट ही लेनी चाहिए, उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट सेफ्टी, मतलब पिछले LKR का टॉप मॉडल लेने का उतना फ़ायदा नहीं है, ये मेरा मानना है, बिकॉज उसमें आपको नए इंटीरियर, नया डिज़ाइन, ADAS फीचर्स, बेटर 360 डिग्री कैमरा, बेटर अपहोल्स्ट्री, बेटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सब आप मिस आउट कर दोगे। तो टेक्निकली आप मतलब कम प्राइस में इसका LKR का, नई वाली LKR को कम प्राइस में मिडल वेरिएंट ले रहे हो, जो कि नई वाली LKR का भी तो मिडल ले सकते हो, जो इसमें एटलीस्ट नए लुक्स आ जाएंगे, न्यू LKR कहने को होगी, तो इसीलिए अगर तो बेस वेरिएंट पे अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है और आपका सिर्फ स्पेस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देन डेफिनेटली LKR के प्रीवियस मॉडल के साथ जा सकते हो। बट आपको ये भी बता दूं कि या कारंस अगले साल की स्टार्टिंग में ड्यू है, तो उसके पिछले मॉडल जो भी करंट चल रहा है उस पर भी धीरे धीरे ऑफर बहुत सॉलिड आने वाले हैं, तो अगर आपका अगेन स्पेस चाहिए लेकिन बजट कम है तो किया कारंस भी एक अच्छी ऑप्शन हो जाती है। एनीवेज LKR के ऊपर वापस आते हैं, तो यहाँ पर आपको एग्जिस्टिंग फीचर्स में तो ऑफकोर्स पैनोरामिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, वो सब मिलेगा ही मिलेगा, अच्छे लग रहे हैं फीचर्स।
एक जो है ड्यूल टिप एग्जॉस्ट भी एल्केजार में आपको स्टैंडर्ड मिलेगा, जो कि क्रेटा में मिसिंग है, बट कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है। बट अब आप मेरे को बताओ कि आपको और नया फीचर इसमें कौन सा चाहिए है। प्राइसिंग नए वाले की जाननी है, नए वाले की प्राइस मैं लेके चल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 से लेके 1,00,000 का इंक्रीमेंट होगा एडास फीचर्स की वजह से, और थोड़ी बहुत एलिमेंट्स अगर वो और फीचर्स ऐड करते हैं तो। बट मेरे हिसाब से ज़्यादा प्राइस मत इंक्रीज करना Hyundai, बिकॉज एल्केजार ना पहले कोई बहुत ज़्यादा नहीं बिक रही, क्योंकि वो बहुत ही सेट स्पेसिफिक लोगों को पसंद आती है। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट बुरा है, बट वो प्रोडक्ट कम लोगों को चाहिए। तो अगर इसकी प्राइस सही रखी जाएगी ना, तो वो जो लोग हैं जिनको सपोज पहले सिर्फ 10 लोगों को चाहिए 100 में से, अगर इसकी प्राइस कॉम्पिटिटिव रखी जाएगी और फीचर्स इतने सारे आप दे रहे हो ऑलरेडी, कम्फर्ट अच्छा दे रहे हो, सर्विस अच्छी देते हो, प्राइस अगर सही होगी ना, तो 100 में से 10 लोगों को पहले एल्केजार चाहिए थी, अब 100 में से 20 लोगों को एल्केजार चाहिए होगी। तो टारगेट ऑडियंस आपकी बढ़ जाती है, स्कोप बढ़ जाता है कि लोग एल्केजार को चूज़ करें, स्पेशली जब अभी सेगमेंट में इतनी ज़्यादा रेस चल रही है 2,00,000 की गाड़ियों के पास। सो व्हाट इज योर ओपिनियन, नीचे कमेंट करके जरूर बताते हैं। दिस वाज द Hyundai एल्केजार, इसकी डिटेल ड्राइव रिव्यू कंपैरिजन, इसका कंप्लीट वॉक अराउंड बहुत जल्दी आपके लिए चैनल के ऊपर अपलोड हो जाएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।